الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله सल्लु अलैहि व आलिही। दुआ ने मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक को आपके सामने जनाजा या मैयत के हवाले से कुछ अहादीस बयान की थी और आपके सामने ये बयान किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमे जो हदीसें आपके सामने बयान की जा रही हैं उन हदीसों से निकलने वाले अहकामात आपके सामने बयान किए जाएंगे या मसाइल। ये बहुत ज़रूरी है कि यह आखिरी सफ़र है, यह आखिरी वो हक है उस मैयत का हम पर कि हम उसको अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक शरई तरीक़ों से अदा करें, इसलिए कि अब वो अल्लाह की बारगाह में चला है, उसकी मोहब्बत, उसका हमारे साथ रवैया, जो कुछ भी उसके हम पर एहसानात रहे, इस बात का उस तकाजा करते हैं कि हम पूरी दयानतदारी के साथ कुरान और हदीस को समझते हुए उस मैयत के अहकाम शरई तौर पर अदा करते हैं। लिहाजा इसमें कतन रायजनी, अपना गुमान, अपनी कयास आराइयाँ या सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए और पूरी मालूमात के साथ इन मसाइल को याद रखते हुए इन चीज़ों को अमल भी करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये कि जब हम एक अकीदा और एक खास कोई नज़रिया बना लें तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अकीदा वो नज़रिया हमारे ख़ानदान या हमारे घर में मुंतकिल ना हो और फिर हमारे इंतकाल के बाद भी यकीनन औलाद वही रवैया अख्तियार करती है जो हमारा होता है। अब किसी साहब ने अगर खड़े होकर ये कह दिया कि जनाब हमारे यहाँ स्वयं नहीं होता, बस उसकी औलाद भी उसके जनाजे के बाद खड़े होकर यही कहेगी कि स्वयं नहीं होता। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, तो लिहाजा इसका ख़ास तौर पर एहतमाम रखा जाए कि सही तरीका क्या है, क्या अहकाम है मैयत के। तो सबसे पहले वो जो हदीसें मैंने बयान की उन्हीं हदीसों की शरह शुरू होती है यहाँ पे कि मरने वाले को मरते वक्त कलमे की तलकीन करना कि जब उसकी सांस उखड़ रही हो या इस बात का गुमान गालिब हो कि शायद अब ये नहीं बचेगा, तो उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, बिल्कुल इत्तेफाक है इस बात पर, कोई दो राय नहीं है कि ऐसी तलकीन करना मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है। कर दें अच्छी बात है, नहीं कर दें कोई बुरी बात नहीं। अलबत्ता इसरार करना, उसको कहना बार बार कि कलमा पढ़ो ये मकरूह है, ये मना है। उसकी वजह यह है वो इतनी तकलीफ और इतनी अजियत में उस वक्त होता है कि उसको हम बयान कोई नहीं बयान कर सकता। उस तकलीफ और अजियत में खुदा ना खास्ता वो अपनी जबान से इनकार कर दे कि मैं नहीं पढ़ता कलमा, ये मैं नहीं पढ़ रहा, तो नतीजे देख लीजिए कि कुछ किसी भी कोई भी खतरनाक नतीजा आ सकता है। उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि उसके सिरहाने खड़े होकर खुद बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। अब उसको तलकीन भी मिल गई जो आप चाह रहे हैं
और आपने उस पर इकरार भी नहीं किया, दोनों काम हो गए, तो उसके सिरहाने खड़े होकर खुद बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा या कलमा शहादत पढ़ा जाए, अब अगर अल्लाह ने उसको तौफीक दी, क्योंकि ये उसकी तौफीक पर मुनासिब है, मेरे जबरदस्ती कह देने से या आपके अगर कोई नहीं पढ़ सकता, तो लोग होश में नहीं पढ़ते, ये तो फिर आखिरी वक्त होता है, तो उसका फिर अल्लाह फिर उस वक्त तौफीक अनायत फरमाता है, और इंसान उस वक्त भी अगर उसको अल्लाह तौफीक दे दे और वो अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए कलमा पढ़ दे, तो ये बस अल्लाह की अता हो गई, आखिरी अलामत बड़ी खूबसूरत साबित हो गई उसकी जन्नती होने की। उसका तरीका यह है कि उसके सिराने खड़े होकर खुद पढ़ा जाए, ना कि उसको तलकीन की जाए कि तुम भी पढ़ो। ये है कलमे की तलकीन से मुताल्लिक। अब आइए एक और हदीस आपने समाप्त फरमाई थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु तआला के हवाले से, कि जब आपकी तबीयत बिगड़ी और आपकी बेटी रोने लगी तो आपने फरमाया बेटा खामोश हो जाओ, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि जिंदों के रोने की वजह से मैयत को अजाब होता है। ये हदीस आपने समाप्त सुना है, इसमें ये जान लीजिए कि एक काम जो मरने वाला बेचारा कर ही नहीं रहा है उसको उसका अजाब क्यों होगा, एक चीज जो उसने की ही नहीं, एक फेल जो उसका किया हुआ ही नहीं है, या इसकी तो इसकी बहुत सी तौजीहात, या कह लें कि इस पर उलमा ने बहुत से दलाइल दी है। एक दलील तो यह है कि अगर मुर्दे ने यह वसीयत की हो कि मेरे मरने पर रोया जाए, कर जाते हैं ना लोग, पहले करते थे, तो उस पर फिर अजाब है, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि अजाब होगा। दूसरी बहुत सी तौजीहात छोड़ते हुए आखिरी तौजीह पर आता हूं, दूसरी जो बहुत अहम और समझ में आने वाली बात है ये कि देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, खासतौर पर जब रिश्ता औलाद का हो जाए, बेटी है, बेटा है, बहन है, माँ है, और फिर रोना भी ऐसा रोना हो जो दिल हिला देने वाला हो, तो जिंदा इंसान को तकलीफ हो जाती है कि वो उनका रोना पसंद नहीं करता, कुछ लोगों की आंखों में वो आंसू पसंद नहीं करता, कुछ लोगों का तड़पना पसंद नहीं करता। तो लिहाजा इसकी एक तौजीह ये भी है कि जिस तरह जिंदगी में किसी के रोने से तकलीफ होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका रोना हमें पसंद नहीं आता, हम चाहते हैं कि उनकी आंखों में आंसू ना आए, तो जिस तरह जिंदगी में तकलीफ होती है इसी तरह उसके रोने पर इंतकाल के बाद भी तकलीफ होती है, इसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजाब से तजवी दी है, अजाब से तजवी दी। इसीलिए कहा गया कि मुर्दा तो सब कुछ देख रहा होता है कि मुझे चाहने वाले किस तरह से रो रहे, तो उसको अजियत होती है, तरह जिंदगी में होती है। तो कहा गया कि आंसू गिर सकते हैं, ये इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन मछली के माफिक तड़पना और खूब, तो उसमें फिर ये भी चीज हो जाती है कि फिर उस रोने में बाज गैर शरई अहकाम दाखिल हो जाते हैं, वो कम अज कम उसके लिए अजियत का सबब या तकलीफ का सबब बन जाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में चला हूं और मेरी वजह से गैर शरई काम घर में हो रहे, या मैं गैर शरई काम का सबब बन रहा हूं, बेपर्दा औरतों का बाहर आ जाना, मर्दों के सामने दुपट्टों के बगैर बाहर आ जाना, ये सब उस मैयत की वजह से हो रहे। तो इसकी वजह से भी आपने इसको तशबीह दी कि मैयत को अजाब होता है। फिर आपने गुज़िश्ता जुमे एक और हदीस समाअत फरमाई कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी का इंतकाल होने लगा तो आपने फरमाया भाई जब तुम इसको गुसल दे चुको तो मुझे बताना, और जब उनको गुसल दे दिया गया तो आपने अपनी चादर मुबारक ख़वातीन को दी और कहा कि मेरी बेटी के बिल्कुल नीचे रख देना, कफन तो दिया जा चुका है, अब ये चादर क्यों दी गई, उस हदीस की शरह देखें। वो मैंने मुख्तसर से तो बयान की थी लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये क्यों दी गई, अब आज दलाई दूंगा। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा किस नजर से देखते थे, ये बहुत अहम बात है। उनके नजदीक क्या सिर्फ आप एक ऐसे नबी थे कि जो पैगाम लाए, कुरान हमें दिया, शरीयत सिखाई और वापस चले गए,
अब उनसे हमारा ताल्लुक नाता सब खत्म हो गया, बस कुरान है, हम उसको पढ़ें समझें उस पर अमल करें, क्या ये ताल्लुक था जैसा कि कुछ लोगों ने आज समझा? या आपसे वो वालेहाना वो अकीदत और वो वालेहाना इश्क का ताल्लुक था कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत से मोहब्बत तो करनी ही है, आपकी जात आपकी सिफात आपके कमालात हद ये कि आपकी औलाद और आपसे मुंसलिक हो जाने वाली चीजों से भी मोहब्बत करनी, ये दूसरी बात सहाबा का अकीदा था, ये दूसरी बात ही सहाबा का अकीदा था। अब मिसाल के तौर पर दो तीन बातें, हजरत उम्मे सलेमा ये कौन, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, जिस घर की खातून, नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन लेकर आए, शरीयत लेकर आए, पैगाम लेकर आए, उनकी औरतों को अगर शरीयत का ही नहीं होगा तो किसको होगा? उम्मुल हाकुल मोमिनीन को अगर शरीयत नहीं मालूम होगी तो किसको मालूम होगी? यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम किस चीज को पसंद करते हैं, किससे नाराज होते हैं, क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी, एक एक घर के शौहर के मुतालिक बीवी से ज्यादा कौन जानता है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह के पास एक चांदी की, कहते हैं कि एक डिबिया थी, बात कहते हैं कि एक छोटी सी नली सी बनाई हुई थी, नाली सी, उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक संभाल के रखे गए थे आपने बाल, और कहते हैं कि जब भी मदीना मुनव्वरा में खास तौर पर किसी की आंखें दुखने आती थी, जब आंखों पर किसी मर्द में मुब्तला होता था तो वो क्या करता था, एक कटोरे में पानी लेकर आपके पास आ जाता था, आप वो डिबिया या वो उसमें डालती थी पानी में और निकाल कर कहती थी अब पानी पी लो और शिफा हो जाती थी। अब मुझे आप बताइए कि हजरत उम्मे सलमा के दौर में क्या सारे साहबा खत्म हो गए थे? आंखें जो दुखती थी वो ताबईन की दुखती है, साहबा की भी आंखें दुखती होंगी, वो सारे आते होंगे पानी में। इन चीजों पे गौर किया जाए तो मदीने में कौन लोग थे उस वक्त? साहबा की कसीर तादाद मौजूद थी, ये उनका अमल था कि बीमारी की सूरत, यानी बिल्कुल एक साफ और जाहिर बात है कि अपने शरई मतलों से लेकर अपने अंदरूनी और निजी मामला तक वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे। अगर नमाज का मसला पूछते थे तो बारिश की दुआएं भी आपसे करवाते थे, अगर जकात और खैरात की के मसाइल आपसे मालूम करते थे तो अपनी तकालीफ भी आपके सामने रखते थे, और यही नहीं आपके पर्दा फरमाने के बाद भी अज़वाज़े मुतहरात से राब्ता करते रहे और ताबईन सहाबा से राब्ता करते रहे। अब आइए एक और हवाला लीजिए, हजरत असमा बिन्त अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीकी साहबजादी कहती हैं कि हमारे पास एक जुब्बा यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का एक कुर्ता था। अब इनके पास कहां से आया? यकीनन ये साहबजादी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी सहाबा के घर में इस बात का एहतमाम होता था कि हुजूर के तबर्रुकात संभाल के रखे जाते थे। एक जुब्बा था कहती है हमारे पास, और हम क्या करते थे, उस जुब्बे को हमने संभाल कर रखा था, और जब भी कोई शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला होता था हम उस जुब्बे को धोकर उसका धोवन उसका पानी उस मरीज को पिलाया करते थे, उसका पानी उस मरीज को पिलाया करते थे। लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी बात, कितनी खूबसूरत बात की कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे उनके तो तलवों का धोवन आबे हयात है ही, उनसे मुंसलिक हो जाने वाली चीजें भी आबे हयात है। इसीलिए मुजद्दिद अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अशआर के बारे में कहा जाता है ये ऐन कुरान और हदीस का तर्जुमा है, ऐन कुरान और हदीस, इससे बाहर कोई बात नहीं मिलेगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जब ये बात भी हमारे पास आ गई तो अब हजरत उम्मे सलमा और इनके, अब इसके ऊपर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला, हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला,
حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اور کئی صحابہ ہیں جن کے تبرکات پر پوری کتابیں موجود، لیکن میں نے دو حوالے دیے، میں آپ کو اب حوالے دوں گا علماء نے جو اس کی شرح کی ہے نا اس حدیث کی، اس کے حوالے دینا چاہوں گا تاکہ معلوم ہے مالکی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، حنبلی کیا کہتے ہیں اور حنفی کیا کہتے ہیں، چاروں فقہ کے نقطہ نظر سے اس حدیث کی شرح سے نکلتا کیا ہے، کیونکہ یہ امام مسلم کی روایت ہے جو میں نے بیان کی تھی. سب سے پہلے فقہ شافعی کے بہت بڑے امام علامہ شرف الدین یحییٰ نووی رحمت اللہ علیہ، فقہ شافعی کے امام شافعی کے بعد سب سے زیادہ کام ہے آپ کا اور آپ نے شرح صحیح مسلم کی ہے، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادی کے کفن کے لیے اپنی چادر اس لیے دی کہ تاکہ برکت دے سکیں، کس کو؟ اپنی صاحبزادی کو. لہذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے. یہ فقہ شافعی کے بہت بڑے امام امام نووی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی، آپ نے شرح فرمائی بخاری کی عمدۃ القاری کے نام سے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی چادر عطا فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل کیا جا سکے اور غسل سے فراغت کے حصول تک. اب یہ بات بڑی غور سننے والی ہے کہ غسل سے فراغت کے حصول تک چادر نہ دینے میں، تاخیر کرنے میں کیا حکمت تھی؟ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب غسل شروع ہوا آپ چادر دے جاتے اور یہ کہتے کہ بھائی جب غسل دے چکو تو یہ چادر رکھ دینا، ایسا نہیں ہوا. آپ نے فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا. چادر اس وقت ہی تو دی جا سکتی تھی، اس چادر کو روکا کیوں گیا، دیر کیوں گئی، اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ اس وقت تک یہ چادر میرے جسم پر رہے، اور جو ہی میں اپنی بیٹی کو دوں تو بیچ میں کوئی وقفہ نہ آئے، بس میرے جسم سے ہٹے اور میری بیٹی کو چادر لگ جائے. خوبصورت حکمت بیان کی کہ کوئی وقفہ نہ آئے، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، پون گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، غسل میں دیر ہو سکتی ہے، پر بس جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا. اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تبرکات کی اصل ثابت ہوتی ہے، اس سمجھ میں آتا ہے کہ تبرکات کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. علامہ وشتانی مالکی ہے رحمت اللہ، فقہ مالکی کے بہت بڑے امام گزرے. آپ کی کتاب اکمل الاکمل المحلم، اس میں آپ فرماتے ہیں بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یعنی اپنی بیٹی کو چادر پہنچانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آپ کی چادر سے برکت حاصل کی جا سکے. اب آئیے علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کی ایک کتاب ہے الفتح ملہم، فتح الملہم، یہ بخاری شرح حدیث کی، کیا کہتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے کہ آپ کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل ہو، اور یہ حدیث آثار صالحین کے ساتھ تبرک کے حصول پر دلیل ہے. یہ جو حدیث ہے یہ اولیاء کرام کے تبرکات پر دلیل ہے. یہ خود بیان لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں نواب صدیق حسن بھوپالی، غیر مقلدین کے بہت بڑے امام، ان کی کتاب ہے السراج الوہاج، یہ بخاری کی مسلم کی شرح میں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث میں آثار صالحین کا تبرک حاصل کرنے کا ثبوت موجود ہے. اب دیکھیے قرآن تو میں نے بیان ہی نہیں کیا، ورنہ قرآن میں تبرکات کے اوپر بہت آیت، دو تین آیتیں موجود ہیں. قرآن، حدیث، چاروں فقہ کے علماء، ائمہ اور آج کے علماء کے حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء کرام کے تبرکات پر امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے، میں نے اسی لیے حوالے دیے. تو اگر کوئی شخص اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے اور جید علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مرشد کے کچھ تبرکات اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو کیا برا کرتا ہے؟ کیا برا کرتا ہے؟ حدیث موجود،
उलमा की आरा मौजूद है, तमाम हवाले किताबों के साथ मैंने आपको दे दी। अब उस पर एक खाम खां की बहस की जाए और खाम खां उसको रद्द किया जाए, हम नहीं समझते कि कुरान और हदीस और उलमा की आरा के खिलाफ ये बात जाती है। इस मसले को समझने के बाद अब आइए, मैयत को कफन देना, ये भी आपने हदीस समाज फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैयत को अच्छा कफन दो। पहली बात तो ये कि मैयत को जो कफन दिया जाएगा वो मैयत ही के तरके से दिया जाएगा, जो वो छोड़ कर गया जो उसका है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो यकीन हो उसकी औलाद वही जिम्मेदारी लेती है जो उसका वली। लेकिन मान ले कि ये ऐसी सूरत हाल भी नहीं है तो अब मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है, जिस तरह नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। तो मुसलमानों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मैयत को कफन देंगे, कोई एक उसका बेड़ा उठा ले या कुछ लोग मिलकर ये कफन दे दें, लेकिन है ये इज्तमाई जिम्मेदारी, मैयत की तजीद तकफीन की तमाम जिम्मेदारी उठाना, सिर्फ कफन ही नहीं उसकी फिर उसकी तकफीन भी है, उसकी भी जिम्मेदारी उठाना, जो भी उस वक्त मामला मैयत के साथ होते हैं ये फर्ज किफाया हुए हैं, ये तमाम मुसलमानों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब आइए नमाज जनाजा की तरफ, ये भी हदीस आपने समाप्त फरमाई नमाज जनाजा के हवाले से। इसमें नमाज जनाजा के हवाले से, नमाज जनाजा में कयाम और चार तकबीरें ये फर्ज हैं। इसके अलावा जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, जो भी दुआएं पढ़ी जाती हैं ये मुस्तहब है, और कोई खास दुआ को तस्लीम कर लेना बस यही पढ़ा जाए ये गलत है। जो नमाज में आप सना पढ़ते हैं ये सना पढ़ी जा सकती है, जो नमाज में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जा सकता है, जो नमाज में आप अत्तहियात में दुआएं पढ़ते हैं ये पढ़ी, ये और कुछ दुआएं आपको बड़ी याद है। नमाज जनाजा पूरी सेहत के साथ हो जाती है जब आप कयाम कर लेते हैं और चार तकबीरें दे लेते हैं, पूरी सेहत के साथ जनाजा हो गया। हाँ अलबत्ता अगर ये दुआएं भी पढ़ लेंगे तो ये कह लीजिए कि अब अपने तमाम वाजिबा फराइज और मुस्तहबात के साथ ये नमाज हो गई। अब अगर ये दुआएं भी आप पढ़ लेते हैं तो लिहाजा जनाजे में जो भी मनकूल जो दुआएं याद हैं, नमाज की दुआएं याद हैं, कलमात याद हैं, ये अगर पढ़ लिए जाएं तो नमाज अपनी सेहत के साथ हो जाती है। क्योंकि बाज लोग हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, नमाज जनाजा हो रही होती है, शिरकत जनाजे में ही होती है मगर दूर खड़े हुए होते हैं। क्या वो शायद ही गुमान करते हैं कि हमें चूंकि याद नहीं है, दुआएं नहीं पता, आता नहीं है हमारी नमाज जनाजा होगी या नहीं होगी, शायद ये गुमान करके कोने खाचों में ज्यादा खड़े होते हैं और जू ही जनाजा खत्म होता है आके कांधे में शरीक हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात है, कांधा भी अच्छी बात, ये हक है मुसलमान का मुसलमान पर। लेकिन अगर वो शरीक हो जाता है तो फुकहा ने लिखा कि उसकी जना बिल्कुल अदा हो उसकी नमाज। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि दुआएं नहीं याद की जाए, ये भी बड़ा जरूरी, तो जो याद हो जाए जो अच्छी बात है, नमाज तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पढ़ा जा सकता है। अब आइए, एक शहर से दूसरे शहर में जनाजे को मुंतकिल करना, अक्सर ही होता है कि कोई इस शहर में इंतकाल हो जाए तो दूसरे शहर जनाजा ले जाया जाता है, इसकी क्या शरई, इसकी क्या अहमियत है? तो देखें, एक वतन से दूसरे वतन तक या एक शहर से दूसरे शहर तक जनाजा ले जाने में कोई कबाहत नहीं, कोई इसमें खामी और बुराई नहीं है, फुकहा ने इसकी भरपूर इजाजत दी है, लिहाजा वो मैं बयान करूंगा। अहनाफ के नजदीक, पहले इस मसले को समझ लें उसके बाद में वो मसला बयान करूंगा कि दोबारा नमाज जनाजा का क्या मसला है, कि दोबारा नमाज जनाजा हो सकती है या नहीं। ऐसा होता है कि एक शहर में किसी का इंतकाल हुआ, वहां लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली और फिर उसको सफर हुआ और दूसरे शहर में गया, वहां भी लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो क्या दो मरतबा नमाज जनाजा हो सकती है या नहीं? तो फुकहा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वली ने अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, यानी जो मैयत का असल करीबी बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, जो करीबी वली है, जो करीबी उसका, अगर उसने नहीं पढ़ी तो नमाज जनाजा दोबारा होगी क्योंकि उसने पढ़ी नहीं, और अगर नमाज जनाजा वली ने पढ़ ली तो दोबारा नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, दोबारा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। वली का पढ़ना बहुत जरूरी है, और कितना जरूरी है ये मैं आगे और आपके सामने भी बयान करता हूं। अब आइए गायबाना नमाज जनाजा की तरफ, ये भी बिलुमूम होता है कि जनाब जगह जगह गायबाना नमाज जनाजा होते हैं, तो फिक्र हुजूर अलैहि सलाम, वो भी हदीस आपने समाप्त फरमाई कि हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते
कि आपने फरमाया कि तुम्हारे भाई नजाशी का इंतकाल हो गया है, उठो और नमाज जनाजा पढ़ो। सहाबा-ए-किराम खड़े हो गए और आपने नमाज जनाजा पढ़ी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक और फिकह हनफी के नजदीक ये आपकी खसूसियत में शामिल थी ये बात, यानी कि कोई और आपकी आपकी इस चीज में शामिल नहीं। यानी क्या आपकी खसूसियत थी, यानी आपकी खसूसियत में था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अब दो तीन बातें, या तो सारे हिजाब उठाकर नजाशी का जनाजा आपके सामने रख दिया था कि आप देखकर पढ़ा रहे थे, आपके सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं थी, और नबी के सामने क्या छुपा हुआ होगा, अगर नबी के सामने चीज छुपी हुई हो तो बात ही क्या थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कई हदीस में, बस बात तो यहाँ खत्म हो जाती है वाक़ए मेराज पर, कि जब परवरदिगार आलम की ज़ात ही आपसे नहीं छुपी तो बाकी फिर गैब रहा क्या, कुछ भी नहीं रहती। तो लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत में ये बात शामिल है कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा देख कर पढ़ाई है। आम आदमी इस बात में शामिल नहीं है, उसके सामने जो चीज छुपी हुई है वो छुपी हुई है। लिहाजा फ़िक़्हे हनफी में गायबाना नमाज जनाजा का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे जो लोग पढ़ते हैं आजकल। अब आइए ये समाप्त फरमाइए कि जब मुतअद्दिद जनाजे आ जाएं उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। अल्लामा सरखसी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इमाम अहमद के हवाले से बयान करते हैं, ये दोनों फ़िक़्हे हनफी के इमाम हैं, कि जब मुतअद्दिद जनाजे आ जाएं जिसमें औरतों का भी हो, बच्चों का भी हो, बड़ों का भी हो, तो पहले इसकी तरतीब सुन लें फिर तरीका सुन लें। तरीका तो उसका, तरतीब तो उसकी यह है कि पहले मर्द का जनाजा होगा, फिर लड़के का होगा और फिर औरत का होगा। अगर सिर्फ लड़का और औरत आ जाए, पहले लड़के का होगा फिर औरत का होगा। चाहें तो सफ बनाकर रख दें, अगर जनाजे निकाल कर सिर्फ मर्दों के ही आए हैं तो एक सफ बन सकती है जनाजों की, चाहे एक के बाद एक रख दें। और अगर जींस मुख्तलिफ है, जैसे मैंने भी कहा मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो पहले मर्द फिर लड़के और फिर औरतें, इस तरह नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, एक है और वो सबके ऊपर होगी। ये दोनों इमामों ने यहां पर इस बात को बयान किया। कब्र पर नमाज जनाजा, जो मैंने वली का कहा था कि वली का नमाज जनाजा पढ़ना कितना अहमियत का हामिल है, वो बात अब आ रही है। तो देखिए फुकहा ने लिखा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है वली, वली पढ़ सकता है जबकि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बताए बगैर तदफीन हो गई और उसको पता ही लगा और मैयत को दफना दिया गया, तो वली आकर कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है वली। आगे अल्लामा सरफसी रहमतुल्लाह अलैह, जो आगे के फिकाए हनफी के इमाम है, वो कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसको बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया, यानी किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी, वली ने भी नहीं पढ़ी, उसकी भी नमाज जनाजा कब्र पर हो सकती है। अलबत्ता दिनों में इख्तलाफ है, कब तक, 3 दिन से लेकर 1 महीने तक का इख्तलाफ है। यानी कुछ कहते हैं, जैसे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने फिकह हनफी के इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में थे, आप फरमाते हैं कि 3 दिन तक, इमाम मालिकियों का फतवा है 1 महीने तक। ये फतवा क्यों है ये बताता हूं, ये फतवा इसलिए है कि पहले तो लाजिम इतनी तरक्की भी नहीं हुई थी और इतनी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो इस बात से कासिर थे कि कब्र में दफन होने के बाद टूट फूट कब शुरू होती है अंदर मैयत की, जो अंदर इंसान के आज़ा खत्म होना शुरू होते हैं ये कब होती, क्योंकि इसका इल्म नहीं था। तो फतवा 3 दिन से आया 1 महीने तक, लेकिन अभी जदीद रिसर्च के मुताबिक पता लगता है कि एक शख्स अगर सेहतमंद है, बिल्कुल तंदुरुस्त इंतकाल करके गया, तो 15 दिन लेता है कब्र में वो, जब उसका जिस्म खराब होना शुरू होता है या जो भी फूट फूट होती है। कोई बीमार है, दिल का आर्जा है, गुर्दों का आर्जा है, या कमजोर है, या बहुत बीमारियों में गया, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लेता है, टूट फूट शुरू हो जाती है। तो अगर इस जदीद तहकीक को देखा जाए तो उसके मुताबिक आप 10 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन कुछ इमामों ने माहौली तगैरात को भी लिया है, मौसमी तगैरात को भी मौजू बनाया है। बार वो मैंने जदीद तहकीक भी आपको बताई, ये दिन इसमें
10 दिन से लेकर, पर अगर सेहतमंद आदमी है, ठीक आदमी है, तंदुरुस्त आदमी गया है तो 15 दिन, बीमार है, बहुत से आर्जों में था, बहुत कमजोर था तो 10 दिन। अब आइए एक और दूसरी तरफ के एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का जो मैंने आपके सामने बयान किया, तो लेकिन इमाम अहमद फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल, आपका इंतकाल मिस्र में हुआ था और शाम आपको मुंतकिल किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हबशा में आपका इंतकाल हुआ था और आपको शाम मुंतकिल किया गया था। हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ियल्लाहु मदीना मुनव्वरा से बाहर आपका इंतकाल हुआ था और मदीना मुनव्वरा आपका मुंतकिल किया गया था। तो मैयत को, जनाजे को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जा सकता है, इसमें कोई कवायद नहीं। दफन के बाद जो अमानतन आजकल दफन के बाद अगर मैयत को निकाला जाए, दफन कर दिया जाए, अमानतन तो एक अलग चीज है, वो मैं बाद में बयान करूंगा। दफन के बाद क्या मैयत को दोबारा निकाला जा सकता है? तो उलमा ने शरई उजुर की बुनियाद पर निकाला जा सकता है। शरई उजुर क्या क्या शरई उजुर हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर ये लिखा कि जी तकसीम के वक्त कोई कीमती चीज गिर गई हो, इंतहाई कीमती चीज है, वो भी साथ गिर गई, बाद में ख्याल आया कि वो गिर गई, बहुत कीमती हो। या शरई उजुर ये कि किसी ऐसे शख्स की जमीन पर दफन कर दिया गया हो जिससे इजाजत ही नहीं ली गई हो, अब वो कहता है कि जनाब मुझे अपनी जमीन चाहिए, मुझे यहां कुछ बनाना है, आप खाली कीजिए, ये भी शरई उजुर है। या ये शरई उजुर है कि सैलाब की बिना पर खतरा हो कि कब्र बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी और जनाब ये बिल्कुल तह उस बिना पर भी, या पानी दाखिल हो जाएगा, इस बुनियाद पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। उसमें हवाले में वो लिखते हैं कि हजरत जाबिर ने अपने वालिद को मुंतकिल किया, ये सहाबी रसूल हैं, 6 महीने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। आप कहीं और, आपकी औहद में आप शहीद हुए थे, औहद के मैदान से निकालकर जन्नतुल बकी लेकर आए। इसके अलावा हजरत उमर बिन अलजमू और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों औहद में शहीद हुए, इन दोनों की कब्रों में पानी आया, इन दोनों को मुंतकिल किया गया एक जगह से दूसरी जगह पर मदफून होने के बाद। अब ये शरीय सहाबा का तरीका था, शरीय उजूर था। अब इसमें एक चीज और समाप्त फरमा लीजिए, आखिरी बात, अमानतन दफन करने का जो तसव्वुर है, तो देखिए फिकह इस्लामी नुक्ता नजर से फिकह हनफी और तमाम फुकहा इस पर इजमा है, अमानतन कोई तकसीम का तसव्वुर हमारे यहां नहीं है, बिल्कुल नहीं। शरई उजुर मैंने बयान कर दिए, फुका ने यहां तक लिखा कि किसी को बगैर गुस्ल के दफना दिया जाए, तो यह हक क्योंकि अल्लाह का है इसलिए उसको निकाला नहीं जाएगा। शरई उजुर जो बंदों से मामलात हो, इसमें खास ख्याल हो, एक ताल्लुक है अल्लाह से, भाई नमाज जनाजा नहीं पड़ी, इसका बंदों से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक परवरदिगार आलम से, लिहाजा फुका ने फरमाया इसको नहीं निकाला जाएगा कि उसकी अभी उसको निलाया नहीं गया, बगैर गुस्ल के तकसीम कर दी गई है। हाँ जमीन का मसला है, जायदाद का मसला है, कोई इसमें कहा गया कि आप निकाल सकते हैं। लिहाजा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इस पर मौजूद है, आपने फरमाया कि अमानत के तौर पर दफन करने के बाद मैयत को कब्र से निकालना, मुंतकिल करना हराम है, आपने इसको हराम लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। कुछ ऐलाना समाप्त फरमा लीजिए। जामा मस्जिद गौसिया ब्लॉक 17 में 3 ऐलाना है, 21 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में एक अजीम शान महफिलनात का इनेकाद किया गया है। आप तमाम हजरात से इसमें शिरकत की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह उसके ऊपर खिताब भी किया जाएगा। ये 21 का प्रोग्राम है बरोज हफ्ता, 25 फरवरी बाद नमाज इशा बरोज बुध महाना आयत करीमा का खत्म है। आप तमाम इजाज़त से इसमें भी शिरकत की दरख्वास्त है। और एक और तीसरा और आखिरी लाइन समझ फरमाइए कि रबीउन नूर की आमद अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोजा महफिल नात का इसमें भी इनेकाद किया गया है। आप तमाम हजरात से शिरकत की दरख्वास्त है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।